दो बड़ी खबरें हैं रिलायंस को लेकर, जिसकी वजह से हम ये तेजी देख रहे हैं, और इस पर एक रिसर्च लेकर हमारे साथ सौमित जुड़ चुके हैं। सौमित बताइए। तो सबसे पहले अगर हम डीमर्जर की बात करें तो वहां पे जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आया है वो है रिकॉर्ड डेट का। अब 20 जुलाई का रिकॉर्ड डेट बताया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, और 20 जुलाई को जो रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है ये कंपनी से डीमर्ज हो जाएगा। अभी रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट और कोई नहीं बट जियो फाइनेंशियल ही है, आगे चल के इसका नाम बदल जाएगा। अब जो शेयर स्वैप रेशियो डिसाइड किया था पहले कंपनी ने वो 1:1 का था। इसका मतलब ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के एक शेयर के बदले आपको जियो फाइनेंशियल का एक शेयर मिलेगा। अब ये जियो फाइनेंशियल के बारे में अगर हम थोड़ी बात करें तो इसका जो नेट एसेट बेस होगा ऑन लिस्टिंग वो करीब 1.4 लाख करोड़ का एक्सपेक्टेड है। अब ये 1.4 लाख करोड़ में क्या है, 1.1 लाख करोड़ तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स ही है। अब कंपनी ने पहले ही बताया था कि जियो फाइनेंशियल्स में 6.1% इक्विटी जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के ट्रेजरी शेयर्स का वो मूव कर दिया जाएगा, और ये 6.1% इक्विटी का वैल्यू ही करीब 1.1 लाख करोड़ है। हालांकि अब ये और बढ़ गया होगा क्योंकि आज या रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस अगर आप देखेंगे तो 4% ऊपर है। इसके अलावा जो नेट वर्थ होगा वो करीब 28,000 करोड़ का होगा, तो लगभग 1.4 लाख करोड़ का नेट एसेट बेस हो जाएगा। अब अगर आप देखेंगे तो ये नेट 1.4 लाख कितना हो जाता है, करीब 200 रुपया प्रति शेयर का बुक वैल्यू हो जाता है। और एनालिस्ट की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो जेपी मॉर्गन इस जियो फाइनेंशियल बिजनेस को करीब 189 के आसपास वैल्यू कर रहे हैं, जबकि जेफरीज जो है वो करीब 179 के आसपास का वैल्यूएशन दे रहे हैं जियो फाइनेंशियल को। अब जब ये डीमर्ज हो जाएगा तब इंडेक्सेस पे क्या इम्पैक्ट होगा इसका। निफ्टी में अगर हम बात करें तो डीमर्जर के डेट से 3 दिन तक, लिस्टिंग के डेट तक अगर आप देखेंगे तो जियो फाइनेंशियल जो है वो इंडेक्स का हिस्सा बना रहेगा और वो कांस्टेंट प्राइस पे बना रहेगा। कांस्टेंट प्राइस क्या है, 20 जुलाई के भाव को अगर आप 19 जुलाई के भाव से माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस प्राइस मिलेगा उसे कांस्टेंट प्राइस बोला जाएगा, और उसी भाव पे जियो फाइनेंशियल ट्रेड करेगा 3 दिन तक लिस्टिंग पे। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो अभी के रेगुलेशंस के हिसाब से अगर कोई भी स्टॉक में या कोई भी इंडेक्स के कांस्टिट्यूएंट में अगर कोई कॉर्पोरेट एक्शन होता है तो वो स्टॉक इंडेक्स से बाहर निकल जाना चाहिए। बट चूंकि रिलायंस इतना बड़ा कंपनी है और 10% से ज्यादा का वेटेज है, इसमें शायद अमेंडमेंट्स आ सकते हैं, ऐसे स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस है। एमएससीआई की अगर हम बात करें तो एमएससीआई में एक कॉन्स्टिट्यूएंट बना रहेगा और ये जियो फाइनेंशियल, और फिटसी की अगर हम बात करें तो फिटसी में ये जो स्टॉक है वो इंडेक्स का कॉन्स्टिट्यूएंट तभी बना रहेगा अगर 20 दिन में डीमर्जर के बाद अगर इस स्टॉक में ट्रेडिंग शुरू होता है तो ही, अगर नहीं ट्रेडिंग शुरू हुआ तो जियो फाइनेंशियल फिटसी इंडेक्स का हिस्सा नहीं बना रहेगा। तो ये डीमर्जर से जुड़ी यहाँ पर खबर, और उसका असर क्या रहेगा रिलायंस पर ये भी हमने आपको बताया।